एक और मेहमान जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर बाकी गेस्ट पर मैं जाऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी साहब जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। आरएसएस की बात भी करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। मेरा सवाल अब सरवर साहब से, हाफिज साहब से, आपने सुना जय भगवान गोयल साहब ने क्या कहा, कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत है और उनका उनका कहना है कि इसके साक्ष्य वहां पर मौजूद है, क्या कहिए? मीनार जो है, अभी जो कुछ आपने दिखाया है, मुकम्मल की बात मैं कर रहा हूं, आपने वो बोर्ड दिखाया है, बोर्ड कब लगाया गया? कुतुब मीनार में खंडित मूर्तियां दिख रही हैं, कब से खंडित मूर्ति पड़ी है? ठीक है, मैं अभी इन्हीं के पिच पर आ रहा हूं खेलने, इनके सारे दावे अगर सही हैं तो 75 वर्ष भारत को स्वतंत्र हुए हो चुका और सारी सरकारें अलग अलग मैंने विचारधारा के लोग आए, लेकिन पहली जो सरकार थी, इनका आरोप नेहरू जी पर क्या है पता नहीं, और हम कांग्रेस के कट्टर विरोधी हैं ये पहले बता दूं, लोग ये न कहें कि कांग्रेस समर्थक, लेकिन इसमें शक नहीं कि भारत का वो इकलौता प्रधानमंत्री जो ठोक के अपने नाम के आगे लिखता हो पंडित, उसके हिंदू होने पर तो संदेह नहीं होगा। क्या लेना तो मैं बता रहा हूं। हाँ। तो ये खंडित मूर्तियां आज कैसे प्रकट हो गई, दिख गई 75 वर्षों में दिखी? पहले एक बात क्लियर की जाए जी, वहां पर खंडित मूर्तियां हैं या नहीं? मैं तो गया ही नहीं, मैं भी नहीं गया हूं, लेकिन तस्वीर में दिखती है, तो मैं इन्हीं से ना सवाल कर रहा हूं। दिखती है तस्वीर में, तो दिखती है नहीं, गोयल जी गए तस्वीर में भी आप दिखा रहे हैं। हाँ। तो मैं सरकार से पूछ रहा हूं, 75 वर्षों में आपने इन खंडित मूर्तियों को वहां ऐसे रहने क्यों दिया? ये देश जब दुनिया जानती है कि हिंदू बाहुल्य देश है, बहुसंख्यक है वो, उनका तो हिंदू राष्ट्र का भी दावा है और कोशिश भी है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुसंख्यक तो है, धरती तो उनकी है, और उनके धर्म का अपमान कहेंगे ना, खंडित मूर्तियां पड़ी होने का क्या मतलब है? तो सरकारें क्या कर रही थी? और अब इनसे भी पूछता हूं कि इनकी भी आयु अब 50-60 के करीब बीच में तो होनी ही चाहिए कम से कम, इनको भी अभी 2-4 महीने 6 महीने पहले, साल भर पहले नजर आया क्या खंडित मूर्ति? पहले नहीं गए इतने दिनों तक, इनको जाना चाहिए कि इन लोग खोज कर रहे हैं ना, अभी अचानक 2020 आपने कहा ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया, वह खंडित मूर्ति नहीं, ये मुद्दे इतने बड़े हैं, धर्म का अपमान हो रहा, खंडित मूर्ति। चलिए अच्छा ठीक ठीक, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्रोफेसर, एक मिनट, हमारे साथ एक शख्स थोड़ी सी देर के लिए जुड़े हैं, एडवोकेट विष्णु जैन। एडवोकेट विष्णु जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन, सब उनको जानते हैं, अब वो ज्ञानव्यापी का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। ये बात शायद बहुत लोग न जानते हो कि कुतुब मीनार को लेकर भी वो एक्टिव रहे हैं और इसको लेकर भी उन्होंने अदालत का रुख किया है। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है, जरा आप दर्शकों के लिए बता दीजिए कि कुतुब मीनार में क्या विवाद है? देखिए, कुतुब मीनार में कोई विवाद नहीं, सबसे पहली बात, वहां पे कोई इस्लाम के हिसाब से कोई मस्जिद को यूज ही नहीं कर रहा है, पिछले 800 साल से वो मस्जिद के रूप में यूज नहीं हो रही, ना वो वक्फ है। तो अभी यहाँ पे मेरे भाई जो बैठे थे, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा इतने लेट क्यों गए, ये पहले क्यों नहीं जागे? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं इनको इसका कानूनी जवाब दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में पैरा 116-117 में कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है, और अगर कभी भी कोई आक्रांता किसी मंदिर को तोड़ता है तो वो संकल्प खत्म नहीं होता है। और इसलिए डेट बता दीजिएगा वकील साहब, एक मिनट बोलने दो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 नवंबर 2019 का, यस यस, सुप्रीम कोर्ट भी 2019 में जागी है। और हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे खंडित मूर्तियां रखी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो ASI ने वहाँ पे बोर्ड लगाया है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर में थोड़े उसके मलबे से बनाई गई है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो वो जो बोर्ड है वो मस्जिद की आपको वेस्टर्न वॉल पे और नॉर्दर्न वॉल पे मिलेगा, वो वहां पे अरेबिक पर्शियन में लिखा हुआ है, जिसका ट्रांसलेशन ASI ने लगाया है, ASI ने भी खुद नहीं लगाया है, और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि विष्णु जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपने साकेत कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया हुआ है, मांग क्या है, चाहते क्या है आपके, वहाँ क्या किया जाए? हमने वहाँ पे ये मांग की है कि केंद्र सरकार वहाँ पे ट्रस्ट बनाए और वहाँ पे जो हमारा पूजा का अधिकार है उसको रेस्टोर किया जाए, जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई, गणेश जी उल्टी अवस्था में है, एक गणेश जी पिंजरे में है, और कटी कटी देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी हैं उसको हटा के वहां पे मंदिर का रेस्टोरेशन किया जाए, क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है कि मंदिर का रेस्टोरेशन कहां मंदिर बनाए, वो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसी को आप चाहते हैं मंदिर बना दें, उसको मंदिर बना दें, उसको मंदिर में कन्वर्ट करें, वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट हो
और केंद्र सरकार की अध्यक्षता में उसका ट्रस्ट बने, जैसे राम मंदिर के केस में बना था, क्योंकि ये एक नेशनल शेम का विषय है और ये लीगल पॉइंट भी है कि अगर आपने कहीं मंदिर तोड़ा है इतिहास में और ये साबित होता है कि मंदिर तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोर आपको करना है। कोई नहीं तो फिर चलिए, ये तो बात हुई इस मस्जिद की, आप कह रहे हैं यहाँ पर 800 साल से नमाज भी नहीं पढ़ी गई और वहां पर दावा खुद ही अरेबिक में लिखा हुआ है कि ये मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। कुतुब मीनार में जो छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई है हिंदू भगवानों की, देवताओं की, उनके विषय में क्या चाहते हैं? यही मैं, उनका भी रेस्टोरेशन चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से हिस्टोरिकल एविडेंस है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ा था और जिस तरह से तोड़ा गया उसके सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमने अपने प्लेंट में, अपने पिटिशन में लगाए हैं। और इसीलिए मांग ये है सौरभ जी कि इन सारी मूर्तियों का रेस्टोरेशन किया जाए जो वहाँ पे टूटी है, इन सारी चीजों का रेस्टोरेशन किया जाए और वहां पे पूजा का अधिकार हमको दिया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में सेक्शन 16 में इसकी व्यवस्था है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसके अंदर पूजा का अधिकार मिल सकता है। जिस तरह से ताजमहल में नमाज पढ़ी जा रही है उस तरह से कुतुब मीनार के अंदर भी पूजा का अधिकार मिल सकता है। कुतुब मीनार के अंदर भी पूजा हो? नहीं, कुतुब मीनार का मेरा केस नहीं, मेरा केस है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसके नहीं। जैसे अब यहाँ पर हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, इन्होंने इस बात को अब मुद्दा उठा रखा है कि कुतुब मीनार जो है वो इस्लामिक इमारत नहीं है, ये दरअसल एक विष्णु स्तंभ है। और आज ही एएसआई के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर है धर्मवीर शर्मा, उनका बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनाई ही नहीं थी, ये तो राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी। कभी ये चर्चाएं सुनी है आपने? ये मैंने चर्चाएं सुनी है और इस पर जो हमने रिसर्च की थी हमें उसमें ज्यादा ठोस डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए हमारा क्लेम उस पर नहीं है। हमारा क्लेम सिर्फ और सिर्फ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे। अगर कभी आगे चल के ये बहुत अच्छा स्टेप है आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है जिसके तहत वहाँ पे एसआई की खुदाई और सर्वेक्षण हो रहा है तो और चीजें निकलेंगी, कार्बन डेटिंग होगी और पता चलेगा कि जो इनका एक थ्योरी में पढ़ाई जाती है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने बनाया था तो वो सारी चीजें कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चलेंगी कितना पुराना है। ये बहुत अच्छा कदम है, पर जहां तक लिटरेचर का सवाल है कुतुब मीनार पे इतना लिटरेचर हमें नहीं मिला। हो सकता है हमारे लीगल रिसर्च में कोई कमी रही हो पर हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस पर केस भी नहीं किया है। हमारा केस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, ठीक विष्णु जी, मेरे साथ थोड़ी देर और रहिए ताकि, क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेरी हो आपसे तो वो ले ले और उसके बाद आपने मुझे मालूम है बड़ा मुश्किल से समय निकाला है। से जवाब क्या कहेंगे आप? वो चाहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, अब वो मस्जिद है ही नहीं कह रहे हैं, वहां पर पूजा का अधिकार, वो मंदिर बन जाए। अच्छा, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं और मेरी एक बात ये बताइए कि हिंदुस्तान के 400, 500, 600, 700, 800 साल पुराने इतिहास की यहाँ पर बात करी जा रही है, फलाने फलाने ने जाकर के तोड़ दिया, उसके बाद जो है मुगल का दौर आया। उस जमाने के अंदर, जिस जमाने के अंदर जब मुगल दौर था या उससे पहले का जो दौर था, जो हिंदू राजा थे जो उनके साथ रियासतों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ थे, वो क्या कर रहे थे? कभी उनके किसी वाक के अंदर, उसके बाद आज़ादी के बाद अंग्रेजों का दौर आया, अंग्रेजों का दौर भी लगभग 200 साल रहा, प्रोफेसर रागी साहब आई गेस 200 साल के अंदर इतने बड़े बड़े राजघराने रहे और आज भी हैं, किसी एक शख्स ने ये क्लेम करा आकर के कि यहाँ पर जो है ये चीज तोड़ करके ऐसे बनाई गई? क्या वो सब मुर्दार थे? किसी के पास नहीं थी? सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, किसी एक बड़े राजा ने, जो हिंदू राजा थे और अकबर के साथ भी कई जो है उनके सलाहकार जो हिंदू थे, बड़े बड़े थे, आज तक किसी ने क्लेम नहीं करा वो सब बेवकूफ थे, ये सब दानिश्वर है। अच्छा, वो सब बेवकूफ थे, आप दानिश्वर आए हैं, उससे पहले सब बेवकूफ थे, ना वो बहादुर थे जिनकी मिसालें आप देते थे, वो ना बहादुर थे ना वो अकलमंद थे, ना वो पढ़े लिखे थे ना लिटरेचर वाले थे। आज क्लेम हो गया, चलिए सर इसके मैं बता रहा हूँ आज क्लेम क्यों हो रहा है। 2014 के बाद से ये क्लेम और भी बढ़ेंगे, ये यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मुझे पता है, इस चीज को बखूबी जानता हूँ और उसके पीछे पर्दे के पीछे की राजनीति भी जानता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।